जय माता दी, जय श्री काल का मां। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। नवरात्र सनातनी हिंदुओं का सर्वाधिक पवित्र तथा प्रमुख त्यौहार है। नवरात्र की पूजा 9 दिनों तक होती है तथा इन 9 दिनों में माता जी के भिन्न भिन्न 9 स्वरूपों की पूजा तथा आराधना पूर्ण भक्ति भाव से की जाती है। माता जी के 9 स्वरूप इस प्रकार हैं: माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा माँ, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, माँ महागौरी तथा सिद्धिदात्री माँ। प्रत्येक वर्ष में मुख्य 2 बार नवरात्र आते हैं तथा गुप्त नवरात्र भी आते हैं। संपूर्ण उत्तरी भारत वर्ष में शारदीय नवरात्र को अत्यंत श्रद्धा तथा विश्वास के साथ 9 दिनों तक व्रत करके मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र को प्रत्येक नवरात्रों में सर्वाधिक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण माना जाता है। शारदीय नवरात्र से वर्षा ऋतु समाप्त होती है तथा ठंडी के मौसम का प्रारंभ होता है। अतः यह नवरात्र वह समय है जब 2 ऋतुओं का मिलन होता है। इस संधि काल में ब्रह्मांड से असीम शक्तियां ऊर्जा के स्वरूप में हम तक भूलोक पर पहुंचती है। अतः इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए कई लोग विशिष्ट अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान में देवी के स्वरूपों की साधना पूर्ण श्रद्धा से की जाती है। अतः नवरात्र में माता जी का पूजन विधिवत किया जाता है। देवी के पूजन करने की विधि दोनों ही नवरात्रों में लगभग एक समान ही रहती है। इस त्योहार पर सुहागन या कन्या सभी महिलाएं अपने सामर्थ्य के अनुसार 2, 3 या संपूर्ण 9 दिनों तक व्रत रखते हैं तथा 10वें दिन कन्या पूजन तथा हवन के पश्चात व्रत खोला जाता है, अर्थात व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है, किंतु कभी कभी तिथियों में बदलाव के कारण नवरात्र का पर्व कभी 8 दिनों तक तो कभी कभार 10 दिनों तक भी मनाया जाता है। अपने संकल्प के अनुसार 9 दिन व्रत रखने वाली महिलाएं नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन तथा हवन करते हैं। नवमी के दिन पंडालों में विशेष पूजा आरती का आयोजन किया जाता है तथा भक्तजन अपने परिवार या समूह में विविध प्रकार के आयोजनों से भजन कीर्तन करते हैं। किंतु यह भी देखा गया है कि कुछ महिलाएं नवमी के दिन नवरात्रि के व्रत का पारण करती हैं तो कुछ 9 दिन तक व्रत रखने के पश्चात 10वीं तिथि के दिवस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करती हैं। इस वर्ष अष्टमी तथा नवमी 2 दिनों तक व्याप्त रहेगी, जिस कारण आप प्रत्येक भक्तजनों के पास केवल सामान्य जानकारी तो है किंतु पर्याप्त जानकारी का अभाव है कि अष्टमी या नवमी का व्रत कब किया जाएगा, कन्या पूजन कब किया जाएगा, नवरात्रि का हवन कब करना चाहिए तथा नवरात्रि व्रत का पारण कब करें। निर्णय सिंधु पौराणिक ग्रंथ के अनुसार शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण तब किया जाना चाहिए जब नवमी तिथि समाप्त हो रही हो तथा 10वीं तिथि प्रारंभ हो रही हो। जैसा कि शास्त्रों में भी उल्लेख प्राप्त होता है कि शारदीय नवरात्रि उपवास प्रतिपदा से प्रारंभ करके नवमी तिथि तक रखना चाहिए तथा इस दिशा निर्देश का पालन करने हेतु शारदीय नवरात्र का व्रत संपूर्ण नवमी तिथि के दिन तक करना चाहिए। नवरात्रि का पारण इस वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 2 अक्टूबर रविवार की साय 6:47 से प्रारंभ होकर 3 अक्टूबर सोमवार की साय 4:37 तक व्याप्त रहेगी। इस वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 3 अक्टूबर सोमवार की साय 4:37 से प्रारंभ होकर 4 अक्टूबर मंगलवार की दोपहर 2:20 तक व्याप्त रहेगी। शास्त्रोक्त नियम है कि जब नवमी 2 तिथियों में हो तथा प्रथम तिथि के मध्यान्ह में नवमी हो तो व्रत या त्योहार उसी दिवस किया जाना चाहिए, किंतु यदि नवमी दोनों दिनों की मध्यान्ह में पड़ रही हो
या जब किसी भी दिन मध्याह्न को नवमी न हो तो दशमी से युक्त नवमी में व्रत करना चाहिए। अतः इस वर्ष 4 अक्टूबर मंगलवार के दिन मध्याह्न के समय नवमी तिथि रहेगी, किंतु 5 अक्टूबर बुधवार के दिन नवमी तिथि का क्षय दोपहर से पूर्व हो जाएगा। अतः इस वर्ष 2022 में नवरात्रि के दुर्गा अष्टमी, सरस्वती पूजा, महागौरी पूजा एवं संधि पूजा 3 अक्टूबर सोमवार के दिन है। साथ ही इस नवरात्रि के नवमी का व्रत 4 अक्टूबर मंगलवार के दिन ही किया जाएगा तथा महानवमी, आयुध पूजा तथा नवमी हवन भी 4 अक्टूबर मंगलवार के दिन ही है। जो श्रद्धालु अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वे 3 अक्टूबर सोमवार के दिन ही कर सकते हैं। नवरात्रि का व्रत सायन हवन 4 अक्टूबर मंगलवार की प्रातः 6:19 से दोपहर 2:20 तक कर सकते हैं। शारदीय नवरात्र के दिव्य व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष 2022 में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 4 अक्टूबर मंगलवार की दोपहर 2:20 से प्रारंभ होकर 5 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 12:01 तक व्याप्त रहेगी। अतः शारदीय नवरात्र के व्रत का पारण अर्थात व्रत तोड़ने का शुभ समय 4 अक्टूबर मंगलवार की दोपहर 2:20 के पश्चात का रहेगा। विजयदशमी का पर्व 5 अक्टूबर बुधवार के दिवस मनाया जाएगा। विजयदशमी का विजय मुहूर्त दोपहर 2:14 से 3:01 तक का रहेगा। देवी दुर्गा माँ का विसर्जन भी 5 अक्टूबर बुधवार के शुभ दिवस किया जाएगा, जिसका दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:20 से 8:42 तक का रहेगा। श्रवण नक्षत्र 4 अक्टूबर मंगलवार के दिन 10:51 से प्रारंभ होकर 5 अक्टूबर बुधवार के दिन 9:15 तक व्याप्त रहेगा। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप WhatsApp या Facebook जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।